हिंदू धर्म रखे जग माही, तुम्हारे किए यह बिनसत नाही। नमस्कार मित्रों, तो मैसिव क्रैकडाउन हुआ है खालिस्तानियों पर। अमृतपाल और उसके जो समर्थक आतंकी हैं खालिस्तानी, वे पकड़े गए हैं। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसके हिसाब से कुछ 78 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अमृतपाल को भी पकड़ लिया गया है। बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी, पहले न्यूज़ आई थी कल कि अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद आया कि नहीं नहीं अमृतपाल अरेस्ट नहीं हुआ है, वो भाग गया है, ही स्टिल ऑन रन, उसको चेज किया जा रहा है। आज मैंने जो लेटेस्ट पढ़ा है उसके हिसाब से अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया गया है जालंधर से। अब पता नहीं इसमें भी कोई चेंज अगर आता है आगे तो मुझे नहीं पता है, पर जाएगा कहाँ, पकड़ा तो जाएगा ही। तो मित्रों अमृतपाल का तो टेंशन नहीं है, वो तो खैर पकड़ा ही गया, लेकिन उसके जो हैंडलर्स हैं, जो ये केवल मुखौटा है, इसके पीछे जिसका दिमाग है, जिसका पैसा है, उनको पकड़ना बहुत आवश्यक है। और वे वही लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ISI में हैं, जो कनाडा में बैठे हुए हैं, इनके सिंपथाइजर्स हैं, जो UK में बैठे हुए लोग हैं, जो लोग बेसिकली फंडिंग देते हैं, इस खालिस्तान मूवमेंट को इग्नाइट करते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रेफरेंडम किया था इन्होंने, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। तो डबल गुड न्यूज़ है। लेकिन इसी के साथ मैं मेरे साथ जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था वो साझा करना चाहूँगी आपके साथ। तो बात कुछ यूँ है कि करीब 3-4 महीने पहले मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी पासपोर्ट ऑफिस लंदन में, और वहाँ पर एक अंकल जी थे, कुछ 60-65 के रहे होंगे वे, और एक लड़का था 24-25 साल का, काफ़ी यंग एज का, और उनकी काफ़ी लंबी बात चल रही थी। पंजाबी में ही बात कर रहा था, मुझे पंजाबी आती नहीं है इतनी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैं समझ ज़रूर जाती हूँ, और उनकी लंबी बात चल रही थी। वो पूरा इसी खालिस्तान के अराउंड उनका डिस्कशन चल रहा था, और अंकल जी बच्चे को पूरा समझा रहे, एक तरह से ब्रेन वॉश कर रहे थे उसको। वो उसको समझा रहे थे कि हम पर कितना अत्याचार हुआ है, हमारी इतनी छोटी सी कम्युनिटी है इंटरनेशनली, और इंदिरा गांधी ने क्या क्या किए, 84 में कितना हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, हमने क्या मांगा ही था। तो मुझे एग्जैक्ट पंजाबी में उन्होंने कैसे कहा वो लाइन तो मुझे नहीं याद है, पर उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ गया मुझे। वो ये था कि बोलते हैं कि हमने ज़्यादा कुछ कहाँ मांगा था, अपना एक देश ही तो मांग रहे हैं हम, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, पर ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है इतना हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रही है। तो इस तरह से पूरा मतलब करीब 4-5 घंटे तक तो मैं वहां पर बैठी थी, मेरा नंबर जब तक नहीं आया था तब तक फुल ऑन ब्रेन वॉशिंग चल रहा था उस लड़के का। तो मित्रों मेरा पॉइंट ये है, ये बात बताने का, कि हम सभी जानते हैं भारत में जो सिख हैं वे इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं। एक छोटा सा एक सेक्शन है जो खालिस्तान सपोर्टर है, ठीक है, पर बाकी के जो सिख हैं वे इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखते हैं। वे अपने आप को हिंदुओं से अलग करके भी नहीं देखते हैं और ना अपने आप को भारत से अलग करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जनरेशन जो बाहर पल रही है, जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनका भारत से पहली बात कोई कनेक्शन है नहीं उस तरह का, दूसरा उनका अगर एनवायरनमेंट ही ऐसा है, उनको हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग मिल रहे हैं जो गलत चीज़ें उनको पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें कम्प्लीटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वे कैसे समझ पाएंगे कि उनका सिखी का हिंदू धर्म से क्या रिश्ता है, वे कैसे समझ पाएंगे कि उनका भारतवर्ष से क्या रिश्ता है। और ये लोग इजी टारगेट हैं, क्योंकि सिखों में देखिए हैं तो ये लड़ाके हैं, ठीक है, ये बेसिकली ये हिंदुओं की आर्म्ड फोर्स थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा फोर्स तैयार किया था तो ये बेसिकली खालसा आर्मी थी हिंदुओं की रक्षा के लिए, लड़ने के लिए। इनमें रक्त तो वीरों वाला है और वही जज्बा है, लेकिन अब
जो मैटर करता है वो ये कि इन्हें किस तरह से इनके एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। आपको याद होगा एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, कुछ 8-9 साल का बच्चा है वो। सरदार उधम सिंह की कहानी उसे पता चली, ठीक है, और वो कहानी पता चलने के बाद उसको इतना गुस्सा आया, वो इस तरह से क्रोध से वो जलता हुआ, क्वीन की जुबली सेरेमनी थी, क्वीन की प्लैटिनम जुबली जो लास्ट ईयर भी हुई है, वो क्वीन की सेरेमनी में पहुंचा। और क्यों पहुंचा था? उसे मारने के लिए। जी हाँ, क्वीन को मारने के लिए पहुंच गया था ये छोटा, कुछ 9 या 11-12 साल का बच्चा था। तो सरदारों में वीरता की कमी कभी नहीं है, आज भी नहीं है। सोचिए, वो छोटा बच्चा इंग्लैंड की क्वीन की ही सेरेमनी में जाकर क्वीन को मारने का प्लान करता है अकेले। और ये जज्बा ऑलमोस्ट हर सरदार बच्चे में होता है। अब चिंता का विषय ये है कि इस वीरता को यदि गलत तरीके से गलत दिशा में चैनलाइज कर दिया गया तो क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने धर्मांतरण के लिए दबाव डाला उनके ऊपर, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हिंदू धर्म रखे जग माही, तुम्हारे की यह बिनसत नाही। जब ये लोग कहते हैं कि सिक्खी का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन से हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे? हमारे सिख भाइयों को ये सोचने की जरूरत है। पर अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोगों को इतिहास ही नहीं पता है, उनको भी अपना इतिहास नहीं पता है, और वे अपने आप को हिंदू से ज़्यादा क्रिश्चियन से या इस्लामियों से एसोसिएट करते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम टैकल करने का एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक तरीका होना चाहिए। एक सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है, विच विल बी अ फिल्म, अ वेब सीरीज, कुछ ऐसा जिससे कि हम एक्चुअली दिखा सकें। लोग देखिए पढ़ते नहीं हैं, लोग आजकल बुक्स, अच्छी बुक्स तो स्पेशली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी वेब सीरीज हो या कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें आप ये दिखा सकें कि हिंदू धर्म और सिक्खी का आपस में क्या कनेक्शन है, सिख धर्म, ये खालसा पंथ, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ था और इन्होंने क्या क्या किया है, ये किस तरह से चंडी की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, ये असली सिख धर्म क्या है, ये सब हम बहुत लोगों को बात करते हुए तो सुनते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको नॉलेज तो है, वो बात भी करते हैं, पर उनको सुना नहीं जाता है। इसीलिए ये नॉलेज एक प्रॉपर मीडिया के थ्रू चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई और तरीका, कोई और सुझाव हो जिससे कि हम फैक्ट जो है उसको प्रोपेगेट कर सकें, हिस्ट्री को, सही हिस्ट्री को प्रोपेगेट कर सकें, तो ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।